आज का प्रवचन मंत्रों के बारे में है। हिंदू धर्म में इस चीज की मान्यता है कि ब्रह्मांड की निर्मिति ध्वनि से हुई है। हिंदू मानते हैं कि ओमकार या ओम ध्वनि से ही इस ब्रह्मांड की निर्मिति हुई है। क्या इसमें सच्चाई है? और अगर हाँ तो इसके क्या प्रूफ्स हैं? देखो, जब हम ध्वनि की बात कर रहे हैं तो ध्वनि है एक तरह की वाइब्रेशन। अब ध्वनि का मतलब बस वही नहीं है कि जो हम सुन सके, क्योंकि ऐसे भी बहुत सारी फ्रिक्वेंसीज में ये ध्वनि अवेलेबल है। जो फ्रीक्वेंसी हम नहीं सुन सकते लेकिन वो भी एक तरह की ध्वनि है। जैसे कि साइंस ये मानता है और साइंटिस्ट ने प्रूव भी किया है बहुत से, कि जो चींटियां हैं वो भी एक दूसरे से बात करती है लेकिन उनकी बात करने की जो फ्रीक्वेंसी है वो इतनी ज़्यादा कम है कि हम उसे सुन नहीं पाते। तो क्या हम ये कहेंगे कि नहीं वो बात नहीं करते या उनका जो कुछ भी माध्यम है वो ध्वनि नहीं है? बिल्कुल है। मनुष्य एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के बीच में ही सुन सकता है और उस फ्रीक्वेंसी के नीचे या ऊपर ना ही हम देख सकते हैं ना ही हम सुन सकते हैं। तो ध्वनि का मतलब है वो चीज जो वाइब्रेट करती है, राइट? अगर हम पूरे ब्रह्मांड की निर्मिति के बारे में सोचें, फिर चाहे वो बिग बैंग थ्योरी की बात हो या स्टेडी स्टेट थ्योरी की, दोनों भी एक चीज मानते हैं कि ब्रह्मांड की निर्मिति किसी अणु से हुई है। और अगर तुम किसी भी अणु को अगर देखो तो उसमें हर तरह की कंपन तो होती ही है और उस कंपन से ध्वनि की निर्मिति होगी ही। बस जब बिग बैंग की बात आती है तब हम कहते हैं कि भाई बिग बैंग होने के बाद 3 लाख साल तक प्रकाश नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि जो प्रकाश बनता भी था उसके लिए जो माध्यम लगता है वो अवेलेबल नहीं था। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो बिग बैंग मानती है कुछ नहीं मानती, और स्टेडी स्टेट थ्योरी जो है वो मानती है नहीं मानती, लेकिन ये जो चीज है कि अणु वाली बात वो दोनों ही लोग मानते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अति सूक्ष्म रूप से अणु के भीतर होने वाले कंपन से निर्मित ध्वनि को ही ब्रह्मांड की निर्मिति का कारण माना गया, या ब्रह्मांड की निर्मिति का उगम स्रोत हम कह सकते हैं। और उसी तरह से हिंदुओं में, क्रिश्चियन में, या दुनिया का कोई भी मजहब, कोई भी धर्म, कोई भी संप्रदाय तुम उठा कर देख लो, उसमें मंत्रों की, ध्वनि की एक विशेष महत्व है, बहुत महत्व है। तुम चाहे किसी भी धर्म को उठा के देख लो, हर किसी में माला को फेरा जाता है, किसी मंत्र को जपा जाता है, और यह हर धर्म में है। हाँ, ये बात सच्ची है कि हिंदुओं ने मंत्र विज्ञान पे जिस तरह से काम किया है शायद ही पूरी दुनिया में ऐसे कोई समाज रहा हो जिसने इतने गहरे जाकर, इतने गहरे तलों पे मंत्रों पे काम किया हो। मंत्र हमारे जीवन को बहुत बड़े पैमाने पे कंट्रोल करता है, या यूं कहो कि ध्वनि, किसी भी तरह की ध्वनि हमारे जीवन को बहुत बड़े पैमाने पे कंट्रोल करती है। अब तुम बोलोगे कि ये कैसे? सीधा सा एग्जांपल ले लो। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई तुम अपना मनपसंद गाना सुनो तो तुम्हारा भाव बदल जाता है, तुम्हारे विचार बदल जाते हैं। याद करो, कभी तुम ट्रैफिक में फंसे हो और हॉर्न की आवाज आ रही है, चिल्लम चिल्लाट है, आवाज है, शोर शराबा हो रहा है, तो तुम्हारे भीतर से चिड़चिड़ाहट शुरू हो जाती है। होता है, सबके साथ होता है। और वही अगर तुम कोई अपना मनपसंदी गाना सुन लो तो तुम खुश हो जाओगे। तो हम ये कह सकते हैं कि ध्वनि हमारे भीतर के
जो पूरा का पूरा रसायन है, उसे किसी ना किसी रूप में या बहुत बड़े पैमाने पे वो कंट्रोल करती है। इसलिए बहुत बड़े पैमाने पे जो साइकोलॉजिकल हीलर्स है, जो फिजियोथेरेपिस्ट है, वो मेडिटेशन या म्यूजिक्स की बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे मदद लेते हैं किसी पर्सन को हील करने के लिए। और अब तो ये साइंटिफिकली प्रूव भी हो चुका है कि आप पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी से इंसानी माइंड में, ह्यूमन माइंड में पर्टिकुलर इमोशंस को क्रिएट कर सकते हैं या पर्टिकुलर इमोशंस को एंड भी कर सकते हैं। उसे शुरू भी किया जा सकता है और उसे ख़त्म भी किया जा सकता है पर्टिकुलर विचारों को, और उसके पूरा का पूरा ग्राफ है। तो न्यूरोसाइंस में काम करने वाले आप किसी भी बंदे से पूछ लो, वो कहेगा कि ध्वनि या फ्रिक्वेंसी कितने बड़े पैमाने पे माइंड को इफेक्ट करती है या उसे रूल करने में, उसे काम करने में मदद करती है या उसके चेंजिंग में भी। अगर किसी घातक फ्रिक्वेंसी को आपके माइंड पे ज़्यादा समय के लिए चला दिया जाए तो आपका माइंड ब्लॉक भी हो सकता है। ये भी प्रूफ थिंग्स है, मैं कोई अजब बात नहीं कर रहा। और इसलिए हिंदुओं ने बहुत बड़े पैमाने पे मंत्रों पे काम किया। लेकिन याद रहे कि मंत्र तुम्हारे शरीर पे तभी काम करते हैं जब वो तुम्हारे शरीर में उस तरह से प्रस्थापित किए जाए। स्थापित करना पड़ेगा उन मंत्रों को जहां से वो चलेंगे। जिसने संगीत सीखा है वो लय, ताल, इन चीज़ों के बारे में जानता है। ये ऐसा ही है कि अगर तुम किसी राग को गा रहे हो और तुम ताल से हट गए तो वो राग राग नहीं रहेगा, वो कुछ और ही बन जाएगा। इसी तरह से अगर किसी मंत्र को तुम्हारे जीवन में काम करना है तो वो एक लय में तुम्हारे शरीर के साथ, तुम्हारी चेतना के साथ एक रूप होना चाहिए, तो ही वो तुम्हारे जीवन में किसी तरह के बदलाहट ला सकता है। वरना बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि बहुत सालों से किसी मंत्र को रटे जा रहे हैं या किसी ना किसी तरह से मंत्र को रोज जपते हैं लेकिन फिर भी कोई इफेक्ट नहीं, कई सालों निकल गए लेकिन कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। क्यों नहीं आता? उसका रीज़न है क्योंकि वो तुम्हारे शरीर के साथ लयबद्ध नहीं है। तुम जपते हो लेकिन क्यों जप रहे हो तुम्हें पता नहीं, कैसे जपना है तुम्हें पता नहीं, किस मंत्र को किस आवाज के साथ या किस भाव के साथ उसे पूरा का पूरा तुम्हारे शरीर के साथ कैरी आउट करना है ये हमें पता नहीं। और फिर हम कहते हैं कि मंत्र काम नहीं करते, ऐसी बात नहीं है। मंत्र बहुत बड़े पैमाने पे काम करते हैं। विज्ञान की जो रिसेंटली जो खोजी हुई है उसमें एक नया डिपार्टमेंट शामिल हुआ है और वो है साइमेटिक्स। साइमेटिक्स का पूरा विज्ञान ध्वनि के इर्द गिर्द चलता है कि किस तरह से ध्वनि या पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी चीज़ों पे काम करती है, चीज़ों को बदलती है या आकार देती है। ऐसे बहुत से साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर हंस जेनी हैं या बाकी के भी, कि जिन्होंने बहुत बड़े पैमाने पे साइमेटिक्स में काम किया है। उसकी क्लैडियन प्लेट्स होती है जिन पर पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी के द्वारा किस तरह का आकार उस फ्रीक्वेंसी के द्वारा बनाया जाता है, इसका पूरा डिस्क्रिप्शन होता है। तो कहने के बाद ये कि हाँ, मंत्र तुम्हारे जीवन में बहुत बड़े पैमाने पे काम करता है। ऐसा काम करता है जैसा कि तुम सोच भी नहीं सकते। लेकिन वो मंत्र उस इंसान से तुम्हारे जीवन में आए जिसे मंत्रों की समझ है, तो ही वो काम करेगा। क्योंकि तभी वो तुम्हें बता पाएगा कि वो तुम्हें किस तरह से करना है। ये ऐसे ही है कि तुम पेंसिल अपने घर लेके जाओ लेकिन तुम्हें पता ही नहीं कि उसे शॉर्पनर के द्वारा उसको शार्प करना पड़ेगा तभी उससे लिखा जा सकता है। वरना अखंड पेंसिल तुम अपने घर लेके जाओगे और कहो कि भाई इससे तो लिखा ही नहीं जाता। तो शार्पनर भी देने वाला तुम्हारे साथ चाहिए कोई, कि तुम्हें पता है कि भाई शार्पनर भी होता है जिससे उसको शार्प करना पड़ता है तभी वो पेंसिल काम करेगी, वरना कैसे काम करेगी। तो हम प्रयत्न करेंगे कि जितना हो सके आपको मंत्रों के बारे में बताएं आगे।